कहता है यहोवा तुमसे खुश नहीं है, तुमसे अच्छे तो खोते और डंगर हैं। ये शाया कहता है इसराइलियों को, एक अध्याय उसका पढ़िए, एक दो आयत। कहता खोता जानता है अपने स्वामी को, पढ़िए दो आयत पढ़िए। हे स्वर्ग सुन, हाँ, और हे पृथ्वी कान लगा, हाँ जी, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ जी, और उनको बढ़ाया भी, हाँ, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, हाँ जी, बैल तो अपने मालिक को, बैल को अपना मालिक, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। देखो गधा पहचानता है अपने स्वामी को। ये सड़क पर आप खड़े रहते हैं ना, गधे देखते हैं, फिर उनको देखकर आप हंसते, ये यहीं पे खड़ा हुआ है कल से, वो जानता है अपने स्वामी को। पृथ्वी की कह लो चाहे सृष्टिकर्ता की बात कर लो, है ना, पृथ्वी पर भी कोई ना कोई गधे का मालिक होगा, उसको भी वो जानता है। जानवर जानते हैं ईश्वर कौन है, पता है आपको? सृष्टि को पता, हाथी को पता है ईश्वर कौन है, पक्षियों को पता है ईश्वर कौन है, पता है कि नहीं पता है? पता, जानता है अपने परमेश्वर को। ये सृष्टि जानती है अपने परमेश्वर को, पक्षी आकाश के जानते हैं कि यहोवा कौन है। आपको लगता है ये लोग नहीं जानते हैं? इनको पता है यहोवा कौन है, इनको ये ज्ञान है। मनुष्य को नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, परंतु जानवर, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, सब जीव जंतु ये जानते हैं कि ईश्वर कौन है। अय्यूब की पुस्तक में पढ़िएगा 12:7-10। पशुओं से तू पूछ और वह तुझे सिखाएंगे। पशु सिखा देंगे आपको। कभी किसी डंगर के पास खड़े होकर पूछना, तुझे पता, आपने पूछा नहीं, मैंने किया है। ये जानवरों से बातें की है कभी आप? मैंने की, मैं कई बार पास खड़े होकर पूछा हूं, तुझे पता है परमेश्वर कौन है? हालेलुया। और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हो। हालेलुया। पशुओं से पूछ और वह तुझे सिखाएंगे, और वह तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वह तुझे बताएंगे। हाँ सिस्टर, स्वप्ना के पास हैं भैंसे, पूछिएगा आज उनसे के सिखाओ मुझे, वो सिखाएंगे आपको, वो बताएंगे आपको क्या है। बुद्धि दिखने में आती है इन जानवरों पशुओं में? बुद्धि दिखती है कि नहीं? ऐसा घोंसला बनाते हैं कि कोई आर्किटेक्ट वैसा बना नहीं सकता है। इंजीनियरिंग की हुई है इन सब ने, यहोवा ने बुद्धि दी है इंजीनियर वाली, कहाँ बनाना है घर। थोड़े दिन पहले हम गए थे तो बारिश का मौसम था, तो मैंने पेड़ का ऐसे वीडियो बना लिया। वो पेड़ के बिल्कुल ऊपर वहाँ से तीन शाखाएं जाती हैं, ऐसे तीन शाखाएं ऐसे। वो चिड़िया को पता है ठीक इसके बीच में मैंने बनाना है, हाँ जी, इधर सिंगल है, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर, उसको पता है इधर सपोर्ट है सब, इधर से गिरेगा नहीं। ये कहां से आया बुद्धि? सर्वशक्तिमान ने बुद्धि दिया हुआ है इनको। हालेलुया। और हमारी बुद्धि घास खाती है, हम अपनी बुद्धि के बैरी हैं, दुश्मन हैं।